नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ही नहीं बल्कि पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस दिन छोटे छोटे उपाय हैं जो करने से आपके पति की लंबी आयु तो होगी ही, साथ में प्रेम भी बढ़ेगा और साथ में आपके पति की नौकरी, व्यवसाय या कारोबार में तरक्की का भी एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं जो कि करवा चौथ के दिन ही आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और भी कई उपाय हम डाल रहे हैं, अपने चैनल पर डाले हुए भी हैं, उन्हें भी देखिएगा, आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। करवा चौथ के दिन आपको एक वट का पत्ता लेकर आना है। वट वृक्ष के नीचे जाएं और एक पत्ता, छोटा मोटा सा जैसा भी आपको पत्ता चाहिए, बस साफ सुथरा बिना कटा फटा होना चाहिए, छोटा पत्ता लेके आएं, बड़ा पत्ता लाएं, जैसे भी आपको मिल जाए ले आएं। उस पत्ते के ऊपर आपको लाल सिंदूर से, जिससे आप मांग भरती हैं, आपके मांग वाली डिब्बी में से ही लेना है, जिससे आप रोजाना मांग भरती हैं उस वाले सिंदूर को ही लेना है। इस बात का ध्यान रखें, आप रोजाना में जिस डिबिया से लेकर के मांग भर रही हैं उसी का इस्तेमाल करना है आपको। उस पर आप अपने पति का नाम लिखें और उस पर आप स्वास्तिक बना दें। पति का पहले नाम लिखें, उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, पति के नाम के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है और फिर उस स्वास्तिक से उस सिंदूर को लेकर अपनी मांग में 7 बार भरना है और फिर उसे किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी के समीप प्रवाहित कराएं, जल में प्रवाहित कर दें, या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी, जल, बावड़ी कहीं ऐसा स्थान नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी गमले में उसे रख दें और उसके ऊपर जल अर्पित कर दें। बस इतना सा उपाय है। यह कार्य आपको करवा चौथ के दिन कभी भी करना है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, दिन, रात, पर करवा चौथ के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। और एक और उपाय है जो आपके पति की तरक्की के लिए करना है आपको। आपके पति की तरक्की के लिए आपको 16 श्रृंगार करना है। आप पूरे 16 श्रृंगार करें। यह कार्य आपको शाम की पूजा के वक्त करना है और 16 श्रृंगार में आप अपने पति से अपनी मांग भरवाएं। आप खुद स्वयं अपनी मांग ना भरें सिंदूर से, अपने पति से मांग भरवाएं। बस इतना सा कार्य करें और फिर विधिवत अपनी पूजा पाठ करें। पूजा का पूरा वीडियो भी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, कम्युनिटी टैब में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। पूजा की सामग्री जाननी है तो उसका भी वीडियो अपनी हमारी कम्युनिटी टैब पर डाला हुआ है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और भी कई जानकारी आपको प्राप्त करना है तो हमारा एक और चैनल है क्रिएटिव होममेकर प्रीति के नाम से, उस पर पूरी विधि विधान से करवा चौथ की जानकारियां बताई गई हैं, पूजा विधि से लेकर सामग्री से लेकर सारे नियम बताए गए हैं। इस वीडियो के इस चैनल पर हम सिर्फ उपाय बता रहे हैं, आप उन उपायों को देखिए और अपने जीवन को कारगर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।